अच्छा जी, फाइनली अब टॉक्सिसिटीज़ में हमने करनी थी। उसका निमोनिक मैंने आपको बताया था कि PTV इंड्यूसेस ड्राउजीनेस, नॉजिया एंड डिप्रेशन। PTV एक न्यूज़ चैनल है, आई एम श्योर सबको पता होगा या मेजॉरिटी को पता होगा। और इंड्यूसेस ड्राउजीनेस, नॉजिया एंड डिप्रेशन। P से हमारे पास आता है साइकोमोटर डिसफंक्शन, T से हमारे पास आते हैं ट्रेमर्स, V से हमारे पास आता है वर्टिगो। इंड्यूसेस इज बेसिकली एंजाइम इंडक्शन। एंड ड्राउजीनेस, नॉजिया, डिप्रेशन। ठीक हो गया, ये सब, ये हमारे पास निमोनिक हो गया टॉक्सिसिटीज़ का। अब इसमें फर्दर ये है कि जो साइकोमोटर डिसफंक्शन है, इसमें हमारे पास कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, साइकोमोटर स्किल्स हमारे कम हो जाते हैं और अनवांटेड डे टाइम सीडेशन होती है। बहुत से ऐसे लोग जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, जब उनको ये ड्रग्स देते हैं तो हम देखते हैं कि स्लीप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, वो प्रॉपरली वेक नहीं होते जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ओवर डोजेज एक टॉक्सिसिटी है। ये मैंने आपको पीछे मेडुलरी डिप्रेशन में बताया कि हमारे पास मेडुला में चार मेन हमारे पास सेंटर्स होते हैं जब वो डिप्रेस होते हैं, जिसमें कार्डियक, रेस्पिरेटरी, वॉमिटिंग और वेजोमोटर है। तो जब वो डिप्रेस होते हैं तो हमारा हार्ट रेट कम होता है, हमारा रेस्पिरेशन रेट भी कम होता है। तो ओवरडोज में बेसिकली यही है कि रेस्पिरेटरी एंड CVS का हमारे पास डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ब्यूस्पिरॉन पे। एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक्स को एटिपिकल क्यों कहते हैं? एटिपिकल इनको हम बेसिकली इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लोग, ये वाले जो ड्रग्स हैं, ये हमारे पास गैबा पे नहीं लगते जाके। जो हमने पीछे सारे बेंजोडाइजेपीन, जो बारबिट्यूरेट्स पढ़े हैं, वो गैबा रिसेप्टर्स पे लग रहे हैं। इनमें हमारे पास, हम तीन ड्रग्स पढ़ेंगे। ब्यूस्पिरॉन आता है इसमें, इसमें हमारे पास रेमिल्टियॉन आता है और ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट आता है। जो ब्यूस्पिरॉन है, ये हमारे पास जाके लगता है सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे। अब सेरोटोनिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सेरोटोनिन जब हमारे पास बॉडी में रिलीज़ होता है तो वो एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो हमें खुश करता है। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे जब ब्यूस्पिरॉन लगेगा, वो जाके सेरोटोनिन को रिलीज़ को ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगा, बंदे का एनजाइटी उसकी कम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है रेमिल्टियॉन। वो क्या करता है? वो हमारे पास मेलाटोनिन रिसेप्टर्स पे काम करता है। मेलाटोनिन रिसेप्टर्स पे जब ये जाके लगेगा तो ये स्लीप का जो लेटेंसी है उसको कम कर देगा। जिन लोगों को लेट नींद आती है, रात को इंसोम्निया होता है, वो लोग, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये रेमिल्टियॉन देते हैं जो मेलाटोनिन पे लगता है। अब इन दी एंड फाइनली हमारे पास ऑरेक्सिन आता है। ऑरेक्सिन क्या होता है हमारे पास? जब हम रात को सो जाते हैं, सुबह एक टाइम पे हमारी स्पेसिफिकली आँख खुल जाती है रोज़, अगर आपकी एक रूटीन सेट है तो आपकी रोज़ उसी टाइम पे आँख इसलिए खुलती है क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्रेन ऑरेक्सिन को रिलीज़ करता है। इस वजह से ऑरेक्सिन आपको जगाता है। अगर हम एक इस तरह का ड्रग दें जो कि ऑरेक्सिन के रिसेप्टर्स पे जाके लग जाए और जब ऑरेक्सिन रिलीज़ हो तो वो आपको वेक ना करे, वेकफुलनेस आप में ना आए, तो इस तरह का ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जो एनजाइटी की वजह से रात को बार 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 जाग रहे होते हैं। ऐसे ड्रग को हम कहते हैं सुवोरेक्सेंट। फाइनली ये ड्रग हो गया। अब आ गया इसका, इस चैप्टर का टेबल आ गया। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने सही में रट्टा मारना है। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे, बाकी वीडियोस आप देख लेंगे, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका पता है, आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन सबकी पता है। टॉक्सिसिटीज़ को थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और एक तो ये कॉमन टॉक्सिसिटीज़ होगी, ये भी आप लिख लें तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर किसी ड्रग की स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी कोई पूछते हैं तो वो उसके लिए आपको यहाँ से याद करनी पड़ेगी।